हेलो बच्चों, क्लास 11th चैप्टर 0 इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे। फिफ्थ एपिसोड हमने कम्प्लीटली इंटीग्रेशन के ऊपर किया था। फिफ्थ एपिसोड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिक्स्थ एपिसोड। इंटीग्रेशन का ये सेकंड पार्ट है। इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक सम को सॉल्व किया था, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखी थी इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर, और हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लर्न किए थे। हमें YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, Instagram पे फॉलो कीजिए, और Telegram लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल्स। टाइप वन को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, फिर हम लोग टाइप टू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टाइप वन का जो नया क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है कुछ ऐसे 3t² + 8t - 1 dt, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कंसीडर किया था, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो देखो कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हमारा जो मेथड रहता है इस क्वेश्चन को करने का, वो कुछ ऐसे रहता है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं या तीन फंक्शन है, तीन टर्म्स है, आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे लिखोगे आप इसको? आप इसको लिखोगे 3t² dt + 8t dt, और यहां माइनस है तो यहां जाएगा -1 dt, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर किसी के साथ आया है तो कांस्टेंट को बाहर बिठा दो। यहां पे कांस्टेंट क्या है, किसी के साथ आया है, किसके साथ आया है? देखो 3 जो है वो t² के साथ आया है, 3 को बाहर बिठाएंगे तो t² dt + 8 आपके लिए बाहर बैठेगा t dt, -1 को बाहर बिठाना है, बाहर बिठाइए, यहां पे क्या रह गया dt। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 1 का सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप 1 को बाहर बिठा सकते हैं। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कैसे देखिए 3 t² का, बच्चों ने लास्ट क्लास में फॉर्मूला आपको बताया था t 2+1 / 2+1 डन प्लस 8 टी का 1+1 / 1+1 डन माइनस 1, और डीटी का बच्चों मैंने आपको बोला था क्या होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं टी। डीटी का इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला था क्या होता है टी, वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको अगर हमने सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ गया, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, क्लियर। ये जो हमारे पास है t³/3 बचेगा यहां पे, मैं सीधा आपको बता दूं 3 और ये 3 बचेगा हमारे पास, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 से हो गया 8 कैंसिल, 4 और ये, तो फाइनल आंसर बच्चों हमें मिलेगा t³ + 4t² - t। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ आया आपको? एक और एग्जांपल इंटीग्रेशन का कंसीडर करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, टाइप 2 पे चलेंगे। तो एक एग्जांपल हम देखिए आप इंटीग्रेशन का बच्चों, जैसे हमें बोला गया, मान लीजिए कि फंक्शन है बच्चों α√r - 2r² + r, और साथ में हमें बोला गया कि ये पूरा जो फंक्शन है बच्चों ये dr का फंक्शन है, क्लियर। अब देखिए चाहे t में हो तो dt होता है, x में होता है तो dx होता है, अगर r में है तो बच्चों क्या होगा dr होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अभी मैंने आपको मेथड बताया था, आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, आप इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे कैसे? कुछ ऐसे α√r dr -2r² dr + r dr, इस तरह से मैंने तीन पार्ट्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, देखो अल्फा को निकालो बाहर, यहां रहेगा √r dr, 2 को निकालो बाहर, यहां रहेगा r² dr। यहां पे किसी को आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्या रहेगा r dr। रूट आर का मतलब बच्चों क्या होता है, r⁻⁺ 1/2। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन के टाइम n+1/(n+1), दैट इज द फॉर्मूला वो यूज किया है, -2 बाहर है, r² के लिए क्या लिखेंगे r 2+1/2+1,
और r यहाँ पे r अकेला है, अकेले r का बच्चों 1 + 1 / 1 + 1, कुछ इस तरह से आप अकेले r को यूज कर सकते हो। तो समझ आ गया, बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। तो देखिए भाई, लास्ट स्टेप में मैं आपको बताऊं समझाऊं तो क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे क्या यहाँ पे अल्फा आर पावर रेज टू 3/2, और बच्चों ये है 3/2, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, माइनस 2r³ / बच्चों ये है 2 + 1, और यहाँ क्या आ जाएगा +r² / 2। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। होप आपको ये इंटीग्रेशन करना समझ आया होगा। समझ गए तो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का, एक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई या कोई भी इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये बड़े काम का है, इट इज यूजफुल, ये काम आता है आगे काइनेमेटिक्स में बहुत काम आएगा, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक एग्जाम्पल अपने और कंसिडर करते हैं, देखिए जैसे आपको बोला गया कि आपके पास कुछ फंक्शन ऐसे हैं, मान लो t + 3² dt, आपको बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करना कोई टफ नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, जैसे आप इंटीग्रेशन करते आए हैं वैसे कर सकते हैं इसको। मतलब आप एक काम कीजिए, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। एक बार होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, फिर यू विल गेट योर आंसर। तो होल स्क्वायर ओपन करें बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे t² + 9 + 6t dt। ठीक है, हो गया एकदम क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, वही तीन पार्ट्स में डिवाइड करो। तीन पार्ट्स में जैसे ही डिवाइड करोगे तो t² dt + 9dt + 6t dt, लो मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप आपको पता है क्या होता है बच्चों, टी स्क्वायर को तो चलो टी स्क्वायर रखते हैं, बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, 9 को बाहर निकाल दो, dt आ जाएगा, उधर से आप 6 को बाहर निकाल दो, t dt आ जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करें बच्चों। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली t³/3, बच्चों इसका 9t और 6 को रखें बाहर, और t का क्या होता है बच्चों, t² / 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास यहां पे क्या आ गया, t³/3 + 9t + 3t² दैट्स इट। कुछ इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पावर में आ जाता है तो आप उसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इजीली कर पाएंगे आप लोग इसका। समझ गए, तरीका समझ आया आपको मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो समझ आ गया आपको, इजी फंक्शन है, टाइप वन के जितने भी फंक्शन है दे आर द इजी फंक्शन, और हम उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनरली फिजिक्स में हमें ज्यादा टफ इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया 1/r² dr, 1/r dr, इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं बच्चों, मैंने आपको बोला कि मेरे को gmm/r का इंटीग्रेशन करके बताइए, या मैंने आपको बोला कि मेरे को k³/q² / x का इंटीग्रेशन करके बताइए। ये बहुत बार आपके काम आएगा, व्हेन वी विल डेराइव द इक्वेशंस, जब हम डेरिवेशंस करेंगे तब ये बहुत काम आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। मैंने आपको बोला कि gmm/r का इंटीग्रेशन करो, तो आप एक काम करोगे, gmm को तो कांस्टेंट मानते हुए यहां से बाहर निकाल देंगे, और यहां रहेगा बच्चों dr/r, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है lnr, तो क्या आ जाएगा gmm/lnr, इस तरह से। और ऐसे मान लो इसकी बात करें तो k³/q² को बाहर निकाल दें, यहां पे आ जाएगा dx/x बच्चों, और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है k³/q² क्या हो जाएगा यहां पे ln x। इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे आपको 1/r का फंक्शन दिया हो, चाहे आपको 1/x का, चाहे आपको 1/t का फंक्शन दिया हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर अस। डन, तो चलिए अब चलते हैं हम टाइप 2 इंटीग्रेशन। जैसे टाइप 2 डिफरेंशिएशन होते थे वैसे ही टाइप 2 इंटीग्रेशन होते हैं, वहां पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक छोटा सा रूल हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मैंने आपको बोला बच्चों e^(lambda t) का इंटीग्रेशन k
कीजिए, क्या करेंगे e पावर इज टू लैम्डा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर ये अकेला e पावर इज टू टी होता, अगर अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे होता e पावर इज टू टी dt, तो बच्चों आपका आंसर क्या होता e पावर इज टू टी। c को मैंने बोला था फिजिक्स में, चाहो तो कंसिडर मत करो क्योंकि आगे लिमिट सीखेंगे तो वहां पे c तो हटना ही है, तो c के बोझ को साथ मत लेके चलो, c को ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, फिजिक्स में आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो e पावर इज टू टी का सीधा डिफरेंशिएशन आप क्या बताते, e पावर इज टू टी बताते। हमें e पावर इज टू लैम्डा टी का पूछा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप e पावर इज टू लैम्डा टी का पहले e पावर इज टू लैम्डा टी लिख लो, लिख लिया। अब देखो जो फालतू टर्म है यानी कि लैम्डा, वो अपॉन में लगा दो, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन खत्म। डिफरेंशिएशन में इस टर्म के साथ क्या होता था, ये इनटू में आ जाते थे, डिफरेंशिएशन में ये टर्म कहां आ जाती थी, इनटू में आ जाती थी, इंटीग्रेशन में ये टर्म कहां चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में ये टर्म कहां चली जाती है बच्चों, अपॉन में चली जाती है, डिफरेंशिएशन में ये जो टर्म थी इनटू में आ रही थी। गेटिंग माय पॉइंट, इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं अपने, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए कुछ ऐसे, देखो कैसे आपको बोला जाए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करिए, तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, तो क्या करेंगे। देखिए साइन अगर अकेला आपका, उसका अकेले का क्या होता है, माइनस कोस, साइन अगर अकेला आपका तो क्या होता है, माइनस कोस, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसको, माइनस कोस ओमेगा टी, इतना काम आपका हो गया। फालतू टर्म क्या आ रही है बच्चों, ओमेगा, ओमेगा कहां आ जाएगा, अपॉन में, तो लो ये इसका आंसर आ गया, समझ रहे हो। वहां पे फालतू टर्म इनटू में आ रही थी, यहां पे जितनी भी फालतू टर्म्स है कहां चली जाती है, अपॉन में। जैसे e पावर रेज टू माइनस थ्री लैम्डा एक्स का अपने को एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आप e पावर रेज टू माइनस थ्री लैम्डा एक्स का कर लीजिए, कितना आ जाएगा, e पावर रेज टू माइनस थ्री लैम्डा एक्स आ जाएगा, e पावर रेज टू माइनस थ्री लैम्डा एक्स आ जाएगा, सेम टू सेम। फालतू क्या है बच्चों, देखिए पूरा का पूरा फालतू है, तो माइनस थ्री लैम्डा ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप e पावर रेज टू माइनस थ्री लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब मिक्स कर देते हैं दो को, दो को मिक्स कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे हमें बोला गया कि साइन टू थीटा प्लस कोस थ्री थीटा माइनस माइनस कोस थीटा, ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हाउ वी विल प्रोसीड। इसकी जरूरत हमें जनरली SHM के अंदर पड़ती है, जब हम SHM पढ़ते हैं तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें इतनी जरूरत इसकी नहीं पड़ती है। फिर भी देख लेते हैं क्या करोगे। स्टेप वन, तीन पार्ट्स में डिवाइड करो, जो कि शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूं, जब से हमने इंटीग्रेशन जब से हमने शुरू किया है तब से मैं आपको बताता आ रहा हूं। cos 3 थीटा यहां क्या आ जाएगा, d थीटा माइनस cos थीटा d थीटा, डन, cos थीटा d थीटा। मैंने क्या किया, सबसे पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जैसे मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, अब मैं लगाता हूं फॉर्मूले, sin 2 थीटा का बच्चों होता है वैसे तो cos 2 थीटा, sin का विद नेगेटिव माइनस cos 2 थीटा अपॉन फालतू क्या बच्चा 2, तो ये आ जाएगा। प्लस cos 3 थीटा का क्या होता है बच्चों, sin 3 थीटा फालतू क्या है 3, माइनस कोस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, यहाँ तो फालतू लिखने की जरूरत है ही नहीं, माइनस का माइनस रहेगा। देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मिक्स मत कर देना, ये मेरे कहने का मतलब है, कहीं मिक्सिंग कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझ आया। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं टाइप टू के अंदर, होप आपको ये कहानी समझ आ रही होगी कि ऐसे इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने आपको बोला साइन 4 ओमेगा टी माइनस 2 ई पावर रेज टू माइनस ओमेगा टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बस वही काम, पहला काम तीन पार्ट्स में डिवाइड करो। मैं कर रहा हूं देखो साइन 4 ओमेगा टी डी टी, यहां पे माइनस का साइन है, माइनस 2 ई माइनस ओमेगा टी डी टी, यहां प्लस का साइन है टी स्क्वायर डी टी,
तो मैंने पहला काम क्या किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, अब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा बच्चों फॉर्मूले। साइन फोर ओमेगा टी का बच्चों क्या होता है, साइन का होता है बच्चों कॉस, और फालतू क्या है एक्स्ट्रा टर्म क्या है फोर ओमेगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। माइनस रहने देते हैं, टू रहने देते हैं, ई माइनस ओमेगा टी का बच्चों होता है ई माइनस ओमेगा टी, फालतू टर्म क्या है देखिए माइनस ओमेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, और टी स्क्वायर का बच्चों क्या होता है टी क्यूब बाय थ्री। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस यहां क्या कर सकते हो प्लस कर सकते हो, तो फाइनल आंसर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। होप आपको ये चीज समझ आई, टाइप टू इंटीग्रेशन आपको समझ आया। जब भी आपको साइन कोस इसमें कोई फालतू टर्म दिखती है, एक्स्ट्रा टर्म दिखती है, डिफरेंशिएशन में वो एक्स्ट्रा टर्म इनटू में आ जाती है, व्हाइल इन द इंटीग्रेशन दैट एक्स्ट्रा टर्म्स जो कहां पे आ जाती है अपॉन में आ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको टाइप वन और टाइप टू इंटीग्रेशन अगर समझ आ गए, तो टाइप थ्री का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो इन दोनों को मिक्स करके चलता है, इन दोनों के बिना वो पॉसिबल नहीं होता। फिजिक्स में सबसे ज्यादा या ऐसे कह लें 99% केसेस में हमें टाइप थ्री इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, 99% केसेस। तो टाइप थ्री इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन विद लिमिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टाइप थ्री को, इसको बच्चों बोलते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन विद लिमिट्स पढ़ा था ना, वैसे ही देखो इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। बड़े सिंपल से फॉर्मूला से शुरू करेंगे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन में कवर करने वाले। जैसे बच्चों आपको बोला गया कि t dt की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 1, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 0 मतलब यहां पे जो नीचे लिखी होती है ना, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और बच्चों जो ऊपर लिखी होती है ना, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की रेंज डिफाइन कर देते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि हमें कम से कम कहां से शुरू करना है और ज्यादा से ज्यादा कहां पे खत्म करना है। ये चीज हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें 0 से शुरू करना है और 1 पे खत्म करना है। मैं चाहता तो 5 पे भी खत्म कर सकता था, डिपेंडिंग अपॉन की मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं चाहूँ तो 1000 तक लेके जा सकता हूँ, फिर से वही बात है डिपेंडिंग अपॉन की मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहां से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, अपर लिमिट कहां तक लेके जाएंगे 1 तक लेके जाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं सिर्फ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया है, जैसे इंटीग्रेशन करना सिखाया है वैसे बस इंटीग्रेशन कर दो पहले, तो और कुछ नहीं करना। तो देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं, डब्बा बना देंगे ऐसे बच्चों, होगा टी स्क्वायर बाय टू, और ये जो जीरो और वन देख रहे हो इनको ऐसे लगा दो, एक को लगा दो नीचे और एक को लगा दो ऊपर, एक बन गया लोअर लिमिट, एक बन गया अपर लिमिट। क्या करो आप करो इंटीग्रेट, यानी कि टी स्क्वायर बाय टू, एक बन गया लोअर लिमिट, एक बन गया अपर लिमिट, इतना काम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब आता मजेदार गेम, अब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए हमने इसको यहां तक लिया है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब एक सिंपल सा काम करेंगे, 1 बाय 2 को चाहे तो बाहर निकाल लें, टी स्क्वायर बच्चों 0 से 1, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट उसकी बोली जाती है, लिमिट उसके लिए लगाई जाती है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहां क्या लिखोगे, 1 बाय 2, पहले आप टी की जगह पुट करेंगे 1 ऐसे, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, अपर लिमिट पुट कर दी, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, फिर आप लगाएंगे लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व करो बच्चों, यू विल गेट 1/2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, बीच में हमेशा किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं, अगला लेक्चर अपने अगली वीडियो पूरी पूरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपसे एक और बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब एंटर करें तो हमें कुछ आइडिया हो चुका हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं बच्चों लिमिट है 0 से 4, हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया कि 0 से 4 जा रहा है, जा रहा है 0 से 4, जल्दी से पकड़ के इसकी वैल्यू बता दो,
कैसे बताओगे? आ जाओ, क्या करोगे? पहले आप इंटीग्रेट करोगे, पहले आप इंटीग्रेट करोगे, बाकी सारी चीजें बाद में। टी का इंटीग्रेशन बच्चा टी स्क्वायर बाय टू, और टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब बाय थ्री। इसके लिए आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो आपको पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, मैंने वहां पे फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए हैं। तो लिमिट बच्चा क्या है, जीरो से लेके फोर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक तो काम हो गया हमारा, हमने लिमिट्स पुट कर ली है। कैसे करेंगे, पहले टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर टी की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखो पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो, पूरे फंक्शन का मतलब 4 पावर रेज टू 2 बाय 2 प्लस 4 पावर रेज टू 3 बाय 3, मैंने पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर दी, डन। अब बच्चा बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। जैसे ही माइनस का साइन आएगा, अब टी की जगह क्या पुट करोगे, जीरो, और यहां भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बना 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर मतलब 16 बाय 2 मतलब 8, प्लस ये बना 64 बाय 3, ठीक है, 4 क्यूब हो गया ना, 4 क्यूब हो गया, ये 4 स्क्वायर था 16 बाय 2 8, 4 क्यूब 64 बाय 3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट 85 बाय 3, दैट इज माय फाइनल आंसर, 88 बाय 3, दैट इज माय फाइनल आंसर। इस तरह से लिमिट विद इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिट विद इंटीग्रेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके पास लेके आता हूँ, और वी आर गोइंग टू एंड द इंटीग्रेशन इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप पिछली वीडियो को रिवाइज करके रखना, दोनों वीडियोज इंक्लूडिंग दिस, ताकि हम लोग वीडियो नंबर 3 जो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की, यानी कि एपिसोड नंबर 7, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।